नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लोगों में दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ में डॉक्टर्स का एक पैनल चर्चा करेंगे और उसका उद्देश्य ये है कि आपके मन में जिस भी तरह के कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, क्योंकि इन दिनों अलग अलग तरह के कई मैसेजेस लगातार फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि वो आपके हित में है, लेकिन वो सच में आपके हित में है या नहीं, ये आपको डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। तो हमारे साथ जो पैनल आई है उनसे आपको एक बार रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा है और हमारे साथ में डॉक्टर के पांडे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर असित खन्ना है। सभी का स्वागत है। के पांडे जी, आपके साथ में शुरुआत करती हूँ डॉक्टर के, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में भी कई डाउट्स हैं। मतलब कई बार तो लोगों को नॉर्मल फ्लू है तो भी लोग डर के मारे ये सोचते हैं कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। तो जो इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आप डील कैसे कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से पैनिक बहुत ज़्यादा है। अवेयर रहना ज़रूरी है और जो पैनिक सिचुएशन है वो बहुत बिल्कुल अनवॉरेंटेड है। यू नो एवरी सिम्टम ऑफ फ्लू इज़ नॉट कोरोना, राइट? वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अभी भी हमारी कंट्री स्टेज टू में है। स्टेज टू का मतलब है हम सिर्फ उन लोगों से इन्फेक्शन लेने के चांसेस हैं जो इन्फेक्टेड हैं, जो फॉरेन कंट्रीज जहां पर इसकी एपिडेमिक चल रहा है, यदि वहां से ट्रेवल करके आए हैं या कोई उनके संपर्क में है, सिर्फ उनको थोड़ा सा कंसर्न होना ज़रूरी है। उनको बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास जाने की ज़रूरत है। आम पब्लिक को जो इन लोगों के संपर्क में नहीं है उनको किसी तरह के खांसी बुखार को लेके कोरोना का डर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। अच्छा, क्योंकि यूजुअली लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अगर आपको सूखी खांसी है तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ये बाकी के फ्लू से कितना अलग है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और हमें एक बार अगर डाउट लगता है कि भाई ये संक्रमित हो सकते हैं हम कोरोना से, तो उसको हम कैसे पता लगाएं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? राइट, फर्स्ट थिंग ये याद रखें कि सारे सिम्टम्स ऑफ सूखी खांसी या सांस फूलना फ्लू से नहीं होता। सांस फूलना और सूखी खांसी आना कम से कम 50 और ऐसे रीजंस होते हैं जिससे सूखी खांसी और सांस फूलती है। बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि सूखी खांसी और सांस फूलना हार्ट से भी होता है, खून की कमी से हो सकता है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो लिस्ट इज़ एंडलेस। अगर आपको कोरोना और फ्लू में डिफ्रेंशिएट करना है तो मेन चीज़ याद रखें कि फीवर इज़ द प्राइमरी रीज़न विच यू विल गेट यू टू थिंक कि शायद मुझे कोरोना है कि नहीं। फीवर अलॉन्ग विद कफ एंड ये सांस फूलना अगर आपको आता है, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपना जाके चेक कराऊं। उस टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोरोना मान के अज्यूम करके उसके बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा प्रिकॉशन शुरू करें और डॉक्टर को आके मिले, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर अंकित, अभी लगातार ये भी डिस्कशन हो रहा है कि अगर आप किसी भी तरह से ज़्यादा गैदरिंग में लोगों को मिल रहे हैं तो यू नेवर नो कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, तो उसके बाद भी लोग अपने आप को घर में कैद कर रहे हैं। आमतौर पे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते और गवर्नमेंट भी इस तरह के जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए वर्क टू होम और इस तरह के जो डिसीजन है स्कूल बंद करना, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, इसके ज़रिए हम कितना बचाव कर सकते हैं? सर, अभी जैसे बताया गया था कि कल आपका ICMR के जो चीफ थे उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि जो हमारा कोरोना वायरस है अभी स्टेज टू में है कि अभी वो केवल संक्रमित व्यक्तियों से हो रहा है या संक्रमित व्यक्ति के जो नियरेस्ट हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट है, उनसे हो रहा है। तो इनको हमें एपिडेमिक बनाने के लिए, रोकने के लिए, स्टेज टू से स्टेज थ्री में जाने के लिए, जहाँ ताकि ये अपने ही कम्युनिटी में ही से संक्रमित ना करे रोगियों को, तो उसको से बचाने के लिए ये इस तरह की सोशल गैदरिंग्स पे रोक लगाने के लिए जो एक अच्छा कदम है, मेरे हिसाब से भी एक अच्छा कदम है, कि क्योंकि हमने जैसे बाकी देशों में देखा है कि हर जगह पे भी कोरोना जो फैल रहा है और वो हजारों में और लाखों में फैल रहा है और वो एपिडेमिक हो चुका है, तो इस एपिडेमिसिटी को रोकने के लिए, इस वो एपिडेमिक ना हो जाए उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो सोशल गैदरिंग हो रही है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि किस पेशेंट्स को है या किससे हम क्लोज कॉन्टैक्ट से आया है और वो आपको फैल जाए, और बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, तो आप वो गिर रहा है, आप किसको छू रहे हैं आप जानते नहीं हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति आपके सामने ही उपस्थित हो तभी आपको हो जाए, वो खांस के गया हुआ है, उसने छुआ हुआ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो दोबारा आपको अगर आप उसको टच करते हैं और अपने आप को टच करते हैं तो आपको हो सकता है। ये क्योंकि आपने जिक्र किया कि अब हम स्टेज पर आ चुके हैं और अगर स्टेज थ्री पर हम पहुंच जाते हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किलें भारत देश के लिए बढ़ जाएंगी। ये स्टेज टू से स्टेज थ्री में जाने का क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर पांडे सर ने भी बताया आपको कि ये अभी हम स्टेज टू में हैं। स्टेज टू से स्टेज थ्री बेसिकली क्या हुआ कि अभी जो भी हो रहा है हमें ये नोन है,
ये पेशेंट कहीं से एक ट्रैवल हिस्ट्री थी या उसका कॉन्टैक्ट था, जिसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री थी उसका कॉन्टैक्ट था। अभी भी जैसे जितने भी केसेज हमारे सामने आए हैं वो सारे इनका किसी न किसी का ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट विद दैट ट्रैवल पर्सन जो है वो रहा है। लेकिन जब स्टेज थ्री का मतलब ये होता है कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री के भी है आपको आप हो सकता है कोरोना वायरस, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी ट्रैवल पर्सन से या उनसे कॉन्टैक्ट में रहे हों तभी आपको कोरोना हो, ये विदाउट किसी कॉन्टैक्ट में आए हुए भी या आप कम्युनिटी से आपको हो सकता है। तो बेसिकली स्टेज थ्री जब जाती है तो वो एपिडेमिसिटी में बढ़ने के चांसेस, क्योंकि जो कि कम्युनिटी में आ चुका है वायरस, उसने अपने आप को ढाल लिया है इस कम्युनिटी के हिसाब से, तो इसलिए वो आपको किसी कॉन्टैक्ट के बिना भी हो सकता है और तब आप ये नहीं जान पाएंगे कि किसको हो रहा है किसे नहीं हो रहा है और उसमें संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं महामारी, तब एक्चुअली में वो सिचुएशन आ जाएगी, आने के चांसेस रहेंगे। पर फिर भी अगर जैसे कि बताया जा रहा है कि अगर महामारी आती है, खुदा ना खास्ता ऐसा चीज हो, हम इसी को इसी स्टेज पे कर्व करने की और गवर्नमेंट की और हेल्थ ऑफिशियल सबकी और आप सब लोगों की यही मंशा है कि हम इसी स्टेज पे इसे कर्व कर सकें, अगर नहीं भी होती है तब भी हमें इसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। डॉक्टर के ये जो वायरस है ये किस तरह से वर्क करता है? देखो से और वायरसेस होते हैं, कोरोना वायरस भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन करता है, उसके बाद निमोनिया करता है, और जो सीवियर केसेस हैं जो आईसीयू वाले हैं या वेंटिलेटर वाले हैं उनमें एआरडीएस कहते हैं, वायरल एआरडीएस होता है, है ना। बेसिकली वायरल लंग टिश्यू में अटैक करता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ओके तो ये बॉडी के कहाँ कहाँ किस किस पार्ट को इफेक्ट करता है? मेनली अपर रेस्पिरेटरी, नोज है, थ्रोट है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, सो इट इन्वॉल्व्स द लंग्स। और क्योंकि आप खुद जिस तरह से आप जिस स्कोप में हैं वहाँ पर तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता ही है, तो ये जब वहाँ पर अटैक करता है उसके बाद आपकी बॉडी में फिर किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं? देखिए ये पहले आपकी पोर्टल ऑफ एंट्री जिसे हम कहते हैं कि रास्ता आपकी नाक और मुंह से है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वन बाय वन स्टेप्स, की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर निमोनिया, फिर एआरडीएस, फिर एआरडीएस के बाद देन इट कैन इन्वॉल्व ऑल दी अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर सर्कमस्टांस। किन लोगों में इन्वॉल्व करेगा? वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे एल्डरली हैं, जो पुराने एस्थमा के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर हैं, किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, थायरॉयड है, किसी भी कैंसर कीमोथेरेपी है, तो इम्यूनिटी डाउन है, इनमें वो फिर वायरस सिर्फ लंग्स में नहीं रहेगा, फिर वो हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे मायोकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं, हार्ट फेलियर, लंग्स में पानी भर जाएगा, तो एक तो निमोनिया भी था और हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी भी भरा, तो उसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन MODS बोलते हैं, 90% केसेस में ये लंग्स में जाएगा, आपको हल्का निमोनिया होगा, आप ठीक हो जाएंगे। 95% केसेस में ये लंग्स में जाएगा, निमोनिया होगा, आप थोड़े सिक होंगे, आपको हो सकता है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। 98% केसेस में आपको निमोनिया भी हुआ, वेंटिलेटर भी हुआ, ऑर्गन खराब भी हुए, हार्ट में दिक्कत भी हो, फिर भी आप ठीक हो जाएंगे। जो 2-3% ऐसे अभागे पेशेंट्स हैं जिसमें कंट्रोल नहीं कर पाए, या तो वो लेट आए, या बहुत आजकल जो कॉमन है कि डॉक्टर की बात नहीं मानी, आइसोलेशन नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, इधर उधर भागते रहे, दुनिया आयुर्वेद और इधर सब चीज़ों में पड़े रहे, तो 2-3% में मोर्टैलिटी होती है। उसका कॉमनेस्ट कारण यही है कि ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लिया, लेट लिया, बट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दीज 2-3% केसेज इज लंग फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर। अच्छा डॉक्टर के, क्योंकि इन दिनों जैसे आयुर्वेद का जिक्र किया, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे पुरानी जो चीज़ें रहे हैं आप उनको जैसे काढ़ा बना लिया, ये इस तरह के लोगों के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को वैसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये कितना मददगार है वाकई? एज अ मेडिकल एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर्स, हम सब इन चीज़ों के आयुर्वेद या किसी चीज़ के प्रीव्यू में नहीं जाते हैं। आई थिंक गुड डाइट, एनीथिंग विच इज़ गुड इन न्यूट्रिशन, anything which is good in proteins, that is going to help the patient, है ना। और इस panic situation में कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा और ये सब चीज़ें, we don't endorse all these things. What we tell the patient is take good diet, take good rest. और जो हम ये कह रहे हैं ना, panic मत करिए, पर मैं situation थोड़ा ठीक नहीं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से इटली का example है, चाइना का है, हम लोग बिल्कुल अवेयर, अभी भी मैं OPD से आ रहा हूँ, नीचे लोगों से मिल रहा हूँ, they are not, you know, concern. Right? Why you're not putting a mask when you are in a hospital environment? You must put a mask. Mask आपके लिए बाहर के लिए नहीं है, but hospital में है, जहाँ आपको नहीं पता किसी दूसरे को है। मैं ये भी कहता हूँ कि mask ज़रूरी नहीं है, you put a handkerchief, you know, आप रुमाल लगा लीजिए, right? और एक basic precaution हम नहीं रखेंगे और government advisories को नहीं follow करेंगे कि वो बहुत बहुत
WHO ने भी कल कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं दे आर फेनोमिनल, यू नो दे आर डूइंग दे आर बेस्ट राइट. पर इसमें हम लोग इसको बहुत कैजुअल होने कि हम जिस तरह से आपको ये कह रहे हैं पैनिक ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, राइट. डोंट स्केयर बट बी अवेयर, राइट. और जो प्रिकॉशंस की डे टू डे बात हो रही है, हैंड हाइजीन की, कफ एटिकेट्स की, आप खांस रहे हैं तो आप इस तरह से खांसें, आप हाथ में ना लगाएं, उस हाथ को कहीं टच ना करें. अभी भी मैं पेशेंट को देख रहा हूँ नीचे, इतने दिनों से हम लोग बातें कर रहे हैं, मेरे सामने पेशेंट ऐसे खांसता है फिर वही टेबल पर हाथ रखता है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और एक दो ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि आप COVID-19 के नॉन केस के संपर्क में थे और उनके साथ आपने लंच किया, अगले दिन आप डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, आयुर्वेदिक के पास, कि डॉक्टर साहब हमें कुछ दवाई दे दो, मेरे किसी जानकार को पॉजिटिव केस आया है. दिस इज़ वेरी बैड. एज अ यू नो सिविलाइज सिटीजन हमें मालूम होना चाहिए यदि मैं किसी के संपर्क में आया हूँ जो पॉजिटिव है तो मुझे इमिजिएटली हेल्थ केयर अथॉरिटीज से अपनी हेल्प लेनी है, राइट. गेटिंग ट्रीटेड और गेटिंग यू नो प्रॉपर एडवाइजरी फ्रॉम देम. अच्छा, अभी ये भी हो रहा है कि अगर ऐसा कोई भी, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के आप टच में आए हैं तो आप पहले खुद को आइसोलेट करें, जैसे आपको सिम्टम्स देखते हैं तो यू शुड कॉन्टैक्ट हुआ डॉक्टर. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आइसोलेशन का लोगों को ये भी है कि वो खुद को आइसोलेट कैसे करें, उनको क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना है उस दौरान. देखिए, आइसोलेट का सीधे से मतलब है यदि आप पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में हैं, आपको अपने को सेपरेट रखना है, सेपरेट रूम में जहाँ आप दूसरों के टच में नहीं रहेंगे. आपका टावल, आपका टॉयलेट, एवरीथिंग शुड बी सेपरेट. आपकी बेडिंग शुड बी टोटली हाइजीनिक प्लेस और आप वहाँ पर रेगुलर अपने हैंड वॉश करते रहें. और इन केस आपको सिम्टम ड्राई कॉफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है तो इमीजिएट अपना टेस्ट कराएं. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बट आपको डिजीज नहीं हुई है, बट यू कैन स्टिल स्प्रेड टू अदर्स, आप दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं. तो वो आइसोलेशन का पर्पज है कि आप तो एसिम्टोमेटिक हैं बट दूसरे को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई आपके घर में डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई एस्थमेटिक है. जो खाना है वो बाहर की चीज़ें ना खाएं अभी, तली भुनी चीज़ें ना खाएं अभी, और व्यायाम करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, और स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है. तो ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको वायरस होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. बट एक बार अगर वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं तो इनसे करने से नहीं जाएगा. इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आपको अगर जरा भी लगता है कि आपको इसका खतरा हो सकता है या किसी के संपर्क में आए हैं तो आप तुरंत जो है हेल्थ ऑफिसर से मिलें. इसे छुपाएं ना, ठीक है, इसे छुपाएं ना, क्योंकि अगर आप छुपाते हैं तो हो सकता है आपको तो प्रॉब्लम ना हो बट आपके नियर एंड डियर जो हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनको खतरा हो सकता है. बल्कि ये भी क्राइम है, अगर आप में से कोई ऐसा करता भी है, छुपाता है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये महामारी घोषित हो चुकी है और आपके थ्रू ये कहीं और लोगों तक ना पहुंच जाए, इसका ख्याल आपको रखना होगा. डॉक्टर असीत के पास पहले मैं आती हूँ, सर फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर एक्सरसाइज की बात. यूजुअली होता ये है कि अब जिस तरह से वायरस फैल रहा है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिम बंद हो चुके हैं, तो लोग घरों में किस तरीके से अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने लंग्स को अब प्रॉपर वे में जो ऑक्सीजन है वो पास होती रहे, इसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपने जैसे बताया कि अपने आप को घर में बंद कर लें, जिम्स ना जाएं, स्विमिंग पूल ना जाएं, और जॉगिंग ट्रैक्स, जॉगिंग पार्क्स, जॉगिंग जो जितनी भी जगह हैं जहाँ पे आपके क्लब्स हैं, जैसे साइकिलिंग ग्रुप्स हैं या ट्रैकिंग, जैसे आप साइकिलिंग ग्रुप सुबह सुबह लोग 5-10 लोग मिलते हैं साइकिलिंग, वो ना जाएं. कहीं पे भी फिटनेस के ग्रुप्स कहीं भी बनते हैं तो उनको तुरंत बंद करें, डिसबैंड करें, अपने अपने घरों में जाएं. घर पे जाके आप फिटनेस के जो भी नॉर्मल एरोबिक्स एंड एक्सरसाइजेज होते हैं लाइक ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल, और जस्ट रनिंग ऑन द रूफ, अपने लॉन में, अपने गार्डन में अकेले. पॉइंट इज़ यू हैव टू डू द सेम एक्सरसाइजेज जो हम लोग हमेशा से बताते हैं अपनी फिटनेस के लिए, वही एक्सरसाइजेस करें. बट पॉइंट इज़ दैट यू शुड डू इट अकेले, अलोन, नॉट इवन विद योर वाइफ और योर पार्टनर, कि दो लोग साथ में दौड़ रहे हैं फॉर द कंपनी एंड जो एंजॉयमेंट के लिए हम लोग करते हैं ना. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डू द सेम एक्सरसाइजेस, वेदर इट्स लाइट वेट्स, एरोबिक्स, ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल. अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, गर्म रखना है, इम्यूनिटी बना के बढ़ा के रखना है. इसमें थोड़ा बहुत रोल ऑफ आमंड्स, ड्राई फ्रूट्स भी होता है, पौष्टिक खाना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, संतुलित आहार, और रिमेनिंग अलोन एंड अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 to 8 feet फ्रॉम द नियरेस्ट पर्सन. डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ में. डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि हम लगातार बाकी के डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या परसेप्शन है? हमारा परसेप्शन यही है, क्योंकि
ये वायरल डिजीज़ है और इसका कोई एंटीवायरल ड्रग अभी है नहीं, तो सारा का सारा जो एम्फेसिस है वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे होना चाहिए. और जो डिज़ीज़ का स्पेक्ट्रम है वो इतना वाइड है कि यंग पॉपुलेशन में ये अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, ओल्ड पर्सन्स में जिनको कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे कि डॉक्टर आसिफ ने बताया कि हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसमें ये डिज़ीज़ का स्पेक्ट्रम अलग होता है. तो सारी की सारी जो कोशिश है वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे है, या तो ना हो, अगर हो तो अपने आप को एक जो वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है जिसको कि डिजीज़ बहुत सीवियर फॉर्म में आ सकती है, उनको हमने हमसे ये स्प्रेड ना हो. और सभी लोगों ने जैसे भी बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स सभी को पता है कि अपने आप को कैसे करना है. इम्यून सिस्टम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है. और जो आजकल बातें चल रही हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो दो दिन में इम्यूनिटी किसी की नहीं बढ़ाई जा सकती है ना. इम्यूनिटी बढ़ाना इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. फिर भी जो अवेलेबल मार्केट में लोग नहीं, इम्यून बूस्टर्स नहीं है. देखो मैं आपको बताऊं कि जो एरोबिक एक्सरसाइज और योग, ये इनसे बड़ा कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं होता. और ये दो दिन में तो अपने रिजल्ट दिखाएंगे नहीं. करेक्ट है ना. तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए. जो बाजार में अफवाहें फैल रही हैं कि कैप्सूल आ गया या काढ़ा आ गया, इससे थोड़ी ना होता. वैक्सीन को भी लेके एक बड़ा गलत वो आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं और वैक्सीन बस अब कुछ ही दिनों की बात है वैक्सीन जा जाएगी. वैक्सीन कम से कम अभी साल से 18 महीने लगने वाले हैं. देयर इज नो ट्रीटमेंट. अगर ये जो सिंपल हैंड वॉशिंग वाला जो प्रोसीजर है अगर ये कोई कर ले तो इतना इसका इतना इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन में. सिंपल हैंड वॉशिंग जो हमके छींकने का हमारा तरीका है. अभी जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, उनको ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है फिलहाल? जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को अगर फीवर है या खांसी है या लंग्स को सपोर्ट की, तो जस्ट एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा. जिसे पेशेंट को वॉमिटिंग है, ओरल इंटेक बहुत कम है, तो आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं. लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो वायरल के बाद एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं. तो ये सपोर्टिव इटसेल्फ वायरस को किल करने की कोई मेडिसिन नहीं, वायरस की किसी भी वायरस को किल करने की कोई मेडिसिन नहीं होती है. अगर आप देखा जाए, हम देते भी हैं, सारी सपोर्टिव मेडिसिन ही दी जाती हैं. इस तरह से इसी वायरस का भी जो है वो सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. हम लोग जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और हम लोग का भी जो इस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा जो आते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, तो उनमें यही बताया गया है कि इसमें भी जो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है. अपने आप को आइसोलेट करके रखिए और जितने भी सपोर्टिव होती हैं कि 80% केसेज में तो इसे कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं भी लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा. 80% केसेज में तो ऐसे ही ठीक होता है. 15% जो केसेज होते हैं जहाँ पर हमें कुछ दवाइयों की जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई है या कोई भी सपोर्ट जो है ऑक्सीजन का सपोर्ट है या फ्लूड का सपोर्ट है, सीवियर प्रॉब्लम आए उससे पहले आप सपोर्टिव सिस्टम वहां पे डेवलप कर देते हैं, 15% में उतनी ही जरूरत है. तो ये बेसिकली सार्स का मतलब ये कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो आपके लंग्स में जो होता है वो पानी, वो पत्थर जैसे हो जाते हैं और वो पानी भर जाता है. बट वो केवल 3-5% केसेज में होता है जिसमें सिंपल दवाइयाँ क्रोसिन जो होती है, पैरासीटामोल लें आप. इसमें बार बार हमें ये बता रहा है कि बाहर की कोई दवाइयाँ जो होती हैं वो होते आपको नुकसान भी करें. अगर आप कुछ भी ऐसी होम्योपैथिक या एलोपैथी जिसका किसी कोई एविडेंस नहीं है और आप वो लेते हैं तो हो सकता है वो आपके शरीर में नुकसान भी करें. इसलिए बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, बिना किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाए हुए आप कोई भी दवाइयाँ अपने आप से ना लें. और इम्यूनिटी बिस्टर बढ़ाने के लिए जो आजकल टैबलेट्स और ये काढ़ा आ रहे हैं इनका सेवन कदापि ना करें. कई बार ये देखा गया है इनसे हमारे किडनी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, किडनी फेलियर में चली जाती हैं. हर खांसी, जुकाम और बुखार कोरोना वायरस नहीं है. बस यही है. आजकल हमारी ओपीडी में आ रहे हैं पेशेंट, सब कोई भी खांसी आ रही, बुखार ऐसा, कोरोना तो नहीं हो गया. कोरोना कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनसे हमारा शरीर, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी वो खुद लड़ती है. हाँ, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें एक सेकेंडरी लोकेशंस होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो डिकम्पेंसेट हो जाती है, डेथ उसकी वजह से होती है. ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया राय हमारे दर्शकों को दी है. देखिए फिर से आखिर में एक ही संदेश है यहाँ पर कि आपको अपना ख्याल रखना है और अपने साथ साथ बाकी के लोगों का भी ख्याल आपको रखना है. और उसके लिए आपको जो तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए. तमाम डॉक्टर जरिए हमने आपको हर एक बात बहुत ही क्लियरली पहुँचाने की कोशिश की है. तो किसी भी तरह के मिथ में आप ना रहें, यहाँ पर जो फैक्चुअल बातें डॉक्टर्स ने की हैं आप उनको फॉलो कीजिए. अपना ख्याल रखिए. नमस्कार. कोरोना से जुड़े झूठ और उनकी सच्चाई, क्या सर्दी जुकाम से फैलता है कोरोना वायरस?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। क्या संक्रमण का मतलब है मौत? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना से मौत का खतरा मात्र 20% है। क्या पालतू जानवरों से हो सकता है कोरोना? नहीं, अभी तक किसी रिसर्च में ये बात सामने नहीं आई है। क्या आ गई है कोरोना की दवाई? नहीं, कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। क्या बच्चों में नहीं है कोरोना का खतरा? ये सच नहीं है। वायरस का खतरा बच्चों में कम है, लेकिन खतरा उन्हें भी है। क्या बढ़ते तापमान से हो जाएगा वायरस का खात्मा? नहीं, अभी तक इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है। क्या गर्म पानी से नहाने से संक्रमण का खतरा कम होगा? नहीं, यह तथ्य झूठ है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं से हो सकता है कोरोना से बचाव? नहीं, एलोपैथ, होम्योपैथ या आयुर्वेदिक ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, लेकिन कोरोना को ठीक नहीं कर सकती। नाक में ब्लीच लगाने से होगा कोरोना से बचाव? नहीं, इससे आपकी त्वचा खराब हो सकती है। तिल के तेल से भी इंफेक्शन से नहीं बचा जा सकता। क्या हर किसी को N95 मास्क पहनना जरूरी है? नहीं, साधारण मास्क ही कारगर है। हेल्थ वर्कर के लिए N95 जरूरी है। क्या सभी सर्दी बुखार कोरोना का ही लक्षण है? नहीं, ये झूठ है। सिर्फ सर्दी होना ही कोरोना का लक्षण नहीं है। किसी के सिर्फ छींकने और बुखार से कोरोना का प्रभाव नहीं कहा जा सकता। क्या लहसुन खाने से नहीं होगा कोरोना? नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि लहसुन में कोरोना को मारने की कोई एंजाइम है। क्या अल्कोहल लेने से कोरोना नहीं होगा? नहीं, ये तथ्य झूठ है। अल्कोहल में कोरोना वायरस को मारने की क्षमता नहीं है।